ऐसा लगता है जैसे टिमटिमाते फूल हैं। वाह, कितने खूबसूरत हैं। अब तो मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अरे वो देखो कालिया, वो तारे तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मिलते हैं। जब तुम आइसक्रीम खाते हो तो ऐसे ही मुंह बनाते हो। तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। अरे, ये स्पेस जहाज हम पर धुआं क्यों उड़ा रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अरे, ये तो भीम को ले जा रहा है। सुपर भीम हमारे साथ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मुझे यहाँ से निकालो, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। मैं हूँ टिचकू रासा और ये है मेरा भाई पिचकू रासा और पिचकू रासा। हमें इस पूरी ब्रह्मांड पर राज करना है, तुम्हारी जैसी शक्ति नहीं है। ये खास कवच तुम्हारी सारी शक्ति खींच के हमें दे देगा। पिचकू पिचकू पिचकू, तुम वैज्ञानिक हो और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हें ब्रह्मांड की मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। चलो शुरू करें। ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे शक्ति महसूस हो रही है भाइयों। राजू, क्या तुमने जहाज को इसी दुनिया में आते देखा? हाँ, यही है। स्काई ड्रैगन, टिचकू पिचकू और पिचकू रासा ने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली। ओह नहीं, कहाँ है ये रासा भाई? वो उस पहाड़ के पार उड़ कर गए। एक पत्थर उठा के तो दिखाओ। मेरे दिमाग में एक बढ़िया विचार आया है। वो देखो, सुपर भीम के दोस्त यहाँ आ गए। अगर हम इन्हें हरा दे तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध करेंगे। तो चलो, शुभ काम में देरी कैसी। जाओ, हमें चोट लग सकती है। नहीं, मैं इसे जरूर रोक सकता हूँ। स्काई ड्रैगन, अपनी शक्ति के बिना मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। भीम, तुम कमजोर नहीं हो, शक्ति के बिना भी भीम सुपर भीम ही है। और तुम्हारे पास ये लड्डू है, लो भीम, और दिखा दो इन्हें असली भीम की शक्ति और बुद्धि। सुपर भीम। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी शक्ति रासा भाइयों से वापस लाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भीम, बस बताओ हमें क्या करना है। तो हम सब साथ में खड़े होंगे। मैं सुपर पिचकू रासा हूँ, देखो मेरा कमाल। जग्गू, इसे जरा अपनी पूंछ की सैर का मजा चखा दो। मेरी पूंछ। सॉरी जग्गू। यही मौका है मेरी शक्ति वापस लेने का। तुम्हारी गलती है। नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे प्लान कभी कामयाब नहीं होते। रसा और उसके भाई फिर शुरू हो गए।
काश कि हर दिन जन्मदिन होता। कहा था कि स्पेसशिप ढंग से चलाओ, पर तुमने क्रैश लैंड कर दिया, वो भी इतनी दूर कि अब हमें इतना चलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, गलती मेरी नहीं है, बिच्कू ने मुझे बाएं मुड़ने को कहा तो मैं मुड़ गया। हाँ, पर मैंने तुम्हें आँख बंद करके चलने को थोड़ी ना कहा था। चुप हो जाओ तुम दोनों, हम आखिर पहुँच ही गए। ये वृक्ष हमें अंतरिक्ष पर राज करने में मदद करेगा। कंट्रोल बॉक्स ले आओ। ये वृक्ष तो कोई साधारण सा पेड़ लग रहा है, क्या तुम्हें यकीन है टिचकू ये वही वाला वृक्ष है? मुझे पूरा यकीन है, ये मौजा वृक्ष है। मौज मस्ती ग्रह पर एक अकेला पेड़, दिखने में साधारण पर है बड़ा ही ताकतवर। जल्दी हम सारे अंतरिक्ष पर काबू पा लेंगे। पहले हमसे तो बचकर दिखाओ। भलाई इसी में है कि तुम वो कंट्रोल बॉक्स हमारे हवाले कर दो। इस बार हम अकेले नहीं है सुपर भीम, हमारे साथ हमारी सेना है। सिर्फ रोकना है, इन्हें चोट नहीं पहुंचानी है। जन्मदिन का जश्न अभी बाकी है। स्काई ड्रैगन, ये तोहफा आपके लिए हम सब की तरफ से। शुक्रिया बच्चों, ये जन्मदिन बहुत ही रोमांचक रहा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ऐसा स्वाद और कहीं नहीं। बच्चों, अब जल्दी से गोपाल से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कुछ जरूरी काम है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको, मुझे इन फूलों का और रस पीना है। आई, कौन है वहाँ? ये फूल बोल रहा है। मुमासा, ये तुम हो? इस फूल को अपने सर पर लिए क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। कितने खुश थे सभी जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब गोपाल ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था, आंखें थी। अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। ये सूची तो बड़ी ही नटखट निकली, तुम्हारे सर पर फूल लगा दिया। मेरे सिर पर तो सिर्फ एक ही फूल लगाया है, जरा देखो तो उसने मेरे गोपास के साथ क्या किया। गोपास हमेशा कितने खुश रहते थे, यहाँ तो सब उदास लग रहे हैं।
अब मैं समझ गया ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ऐसी सूची है जो ये कर सकती है, मस्ता सूची। बहुत वर्षों पहले ये खो गई थी और तुम गोपास ने इसे ढूंढ निकाला। स्कार ड्रैगन, सुपर भीम, तुम्हें कुछ करना होगा। किसी भी तरह उस सूची को ढूंढ निकालिए और सारे गोपास को फिर से अपने हंसते खेलते हाल में ले आइए। बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे मुमासा। वो फिर से आ गई, बचाओ। बच्चों संभल के, निकलने तुम्हें छू न पाए। भीम, जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो, सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया, मेरे सर से उस फूल का भूत उतर गया। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। हम आ गए। धत तेरी की, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें देख लिया तो फिर से जेल पहुँचा देंगे। अगर हम अब यहाँ से निकले तो ये हमें देख लेंगे। अब हम क्या करें रैंगो? ये साउंड कैसा? लगता है कोई ग्राहक आया होता। बचाओ, बचाओ, कोई है? सुसु यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। खोलो। उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? खोलो। मैं उसे खोलने जा रहा हूँ। शांति दूतों का कार्यालय रहा है, वो यही अपना अभ्यास करते हैं।
के पैतरे सीखते हैं हम यहाँ पर। ये देखो, सच में पैतरा कमाल का था। मदद कर दूँ तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम हो कौन? ये भीम है। ओहो, तो ये है जाबाज भीम। हर कोई असली जाबाज नहीं होता। सच कहूँ तो जाबाज वो होता है जिसकी बहादुरी हटके हो। जैसे कि मैं स्काई ड्रैगन। इनको मेरा परिचय क्यों नहीं देते? भीम, दोस्तों, ये है सुरो, आकाश लोक का सबसे छोटा और सबसे बहादुर और काफी बहादुर शांति दूत। खुद की भीम बजाना हमेशा पड़ता है भारी। भारी तो भीम पर पड़ेगा अगर वो गलती से कभी मुझसे मुकाबला करे। बिना बात के मुकाबला करने में मुझे दिलचस्पी है भी नहीं सुरो। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? याद आया, दोस्तों, इससे मिलो, ये मेरा पोता है बाबू बाबू। कितना प्यारा है। मुझे किसी ग्रह पर एक जरूरी भाषण देने जाना है। क्या आप चाहते हैं आपकी गैर हाजिरी में हम बाबू बाबू का ध्यान रखें? बहुत मजा करने वाले हैं। क्यों बाबू बाबू, सही कहा ना? ये आपके लिए। ये तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। और स्वादिष्ट भी। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। अचानक से मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द क्यों हो रहा है? Bye.
इसमें क्रिस्टल, ला दो इस बादल में बर्फ और दिखा दो अपना कमाल। और ये कोई भी मौसम ला सकता है। हमारी युद्ध कला का नाम है प्राणी नाच। इसे सीखने में बरसों लग जाते हैं। तुम हमें अपनी युद्ध कला के कुछ नमूने ही सिखा दो। हम तुम्हें दो नमूने सिखाएंगे ताकि इस कालिया को भी पता चले कि हमसे मुकाबला करना कोई खाने का काम नहीं है। अरे बाबा, दिशा में आगे बढ़ेंगे। एकता, ठीक तो ढोलू, मकड़ी, इतनी बड़ी मकड़ी। बैम बैम बिम, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे मौसमी क्रिस्टल चाहिए, जिससे मैं जब चाहे जहाँ चाहे मौसम बदल सके। हम इसे मौसमी क्रिस्टल ले जाने नहीं दे सकते। हम तुम्हारे साथ हैं सोबू नोबू। दोस्तों तैयार हो जाओ। इसके मकड़ी वाले हाथ तो बड़े तेज और ताकतवर हैं। अब उसके मकड़ी वाले हाथों को पकड़ो। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, इसलिए मेरी मकड़ी हाथों की ताकत कमजोर पड़ गई है। सूरज की रोशनी से ताकत, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्काई ड्रैगन, आखिर हमित ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लो दोस्तों।
चश्मा, मेरा अंतरिक्ष का साथी कहीं खो गया और एक लड्डू भी नहीं मिला। कालिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे खाने पर तुम लड्डू को भूल जाओगे। अब तुम मेरे दोस्त हो कालिया, और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आजाद होकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो कालिया, अब बहुत काम करना बाकी है। कैसे हो बच्चों? पकड़ो उसे दोस्तों, उसकी आंखों में मत देखना। में ही उलझे रहोगे तो मुझे क्या पकड़ोगे? बोलो, उसकी तरफ मुंह करके चिल्लाते हैं। कालिया, इन सबको कैद कर लो। शुक्रिया कालिया, अब इन पर नजर रखना। बहुत दिन हो गए मैंने कहीं चोरी नहीं की, आज बहुत काम करना है। उस्ताद, उस्ताद, हमें बाहर निकालो उस्ताद। वो नहीं सुनेगा ढोलू बोलू, मोहिनी ने उसे अपने वश में कर लिया है। भीम, ये लो लड्डू, इसे खाओ और इन सलाखों को तोड़ दो। ये लेजर की सलाखें हैं चुटकी, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। को भी अपने वश में कर सकती हूँ।